प्रदेश तक में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। आप सब बखूबी जानते हैं कि सरकार कर्ज के बोझ में दबी हुई है। यह भी जानते होंगे कि महंगाई ने आम जनमानस की कमर तोड़ दी है, लेकिन सरकार है कि अपने पूर्व विधायकों का पूरा ख्याल रख रही है और थोड़ी बहुत राशि नहीं, 1000, 2000, 5000 नहीं, पूरे करोड़ों रुपए उनके ऊपर खर्च कर रही है। यह चौंकाने वाला खुलासा आरटीआई के माध्यम से हुआ है। अपने प्यारे दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि प्रदेश में कोविड के बाद से ही रेलवे ने 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के साथ ही स्टूडेंट और खिलाड़ियों को यात्रा के दौरान टिकट खरीदने पर जो रियायत मिलने वाली थी उसको बंद कर दी थी, लेकिन पूर्व विधायकों के लिए रेलवे सेवा पर खर्च बंद नहीं किया है। चलिए कुछ आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं कि सरकार ने इनके ऊपर कितना अब तक में लुटाया है। मध्य प्रदेश सरकार 5 वर्षों में पूर्व विधायकों के रेलवे सफर पर करीब 5 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। इतना ही नहीं, सरकार विधायकों के वेतन और भत्ते पर 5 साल 5 महीने में 155 करोड़ रुपए लुटाए हैं। जो मैं बता रहा हूं उस पर जरा विचार कीजिएगा। कोविड के पहले यात्रा करते समय 60 साल से अधिक उम्र वाले पुरुषों को और 40 और 60 से अधिक उम्र की महिलाओं को टिकट में 50% की राहत देती थी, राहत उनको मिलता था। इसी प्रकार स्टूडेंट को 25 से 50 और खिलाड़ियों को उनके प्रमाण पत्र और उपलब्धियों के आधार पर 20 से 50% तक रेलवे टिकट में छूट दी जाती थी। लेकिन कोविड के बाद से सरकार ने और रेलवे ने सभी तरह के राहत बंद कर दिए। एक अखबार में प्रकाशित खबर के हिसाब से मध्य प्रदेश सरकार ने पूर्व विधायकों की रेलवे यात्रा पर 5 साल में प्रतिवर्ष औसत 1 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश में सरकार ने 5 साल रहे विधायकों पर वेतन से ज्यादा अलाउंस पर खर्चा किया है। प्रदेश में 5 साल 5 महीने में विधायकों को कुल 39 करोड़ का वेतन दिया गया, जबकि इन्हीं विधायकों पर 5 साल 5 माह में 102 करोड़ अलाउंस, 10 करोड़ से ज्यादा यात्रा भत्ते और 3 करोड़ से अधिक मेडिकल पर खर्च दिया गया है। इस तरह से विधायकों के अलाउंस पर 5 साल में 1 अरब 55 करोड़ रुपए अब तक खर्च किए जा चुके हैं। विडंबना तो देखिए, एक ओर बेरोजगारी और महंगाई को लेकर चारों तरफ त्राही त्राही मचा हुआ है, दूसरी ओर कर्ज को देख कर मन भी दुखी हो जाता है और सरकार है कि जनता का सुध रखने की बजाय, जनता का ख्याल रखने की बजाय पूर्व विधायकों के सुख सुविधाओं पर पूरा ध्यान रख रही है और उनके सुख सुविधाओं पर, चाहे वो रेलवे भत्ते की बात हो या तमाम तरह की उनकी सुविधाओं पर, उस पर पैसे लुटा रही है। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश। देश दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। साथ ही ऐसी ताजा अपडेट के लिए प्रदेश तक .com पर विजिट करें।